हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा मिरेकल मैजिक आपके लाइफ में होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा मैजिक मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, दो कार्ड आए, वी आर द वर्ल्ड और कॉम्प्रोमाइज। ओके, देखो पहला कार्ड ये आया है, उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। तो ये कहाँ जा रहा है गाइस कि हो सकता है कि आपके साथ अभी सिचुएशन ये होगी जहाँ आपको लग रहा होगा कि किसी परिस्थिति में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, वरना कुछ अच्छा होगा नहीं। मतलब कहते हैं ना कि अपने या तो हक को गवाना, या फिर ऐसे सिचुएशन में जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंच सकती है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि सुधार के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता आप करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी होने वाले थे। और यहाँ पर ही आपकी लाइफ में ऐसा मैजिक या मिरेकल होने वाला है कि उस कॉम्प्रोमाइज़ से, उस त्याग से आपको रोका जाए, कि आपने अपनी लाइफ में बहुत समर्पण दिए हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन अब समय नहीं चाहता, डिवाइन नहीं चाहते, यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपको एक बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करो। आपको मालिक किसी दुख में गिरने नहीं देना चाहते, आपको अपनी लाइफ पे परेशानी को क्रिएट नहीं करने देना चाहते कि नहीं और लोगों की वजह से। मतलब एक बात कह दो गाइस कि कहता ना कि परेशानी भी खत्म हो जाना और आपको तकलीफ भी नहीं मिलना। जहाँ आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, या फिर रास्ता ये नजर आ रहा है कि या तो इस पार जाना पड़ेगा या इस पार जाना पड़ेगा, मिडिल रास्ता जो है ना, मिडिल ग्राउंड जो है ना, ये आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेस्टिनी जो है ना, डिवाइन जो है ना, आपके लिए इसी रास्ते का निर्माण कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। एंजल्स का, यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का साथ आपको इस तरीके से मिलेगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और जो भी परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों ना बनी है, कितनी भी आपको प्रतिकूल नजर आ रही है, वो आपके अनुकूल हो जाएगी और आप उसमें विक्ट्री भी पा जाओगे, है ना। ये कहता है ना कि किसी बच्चे का बस एक टेस्ट था कि ऐसे सिचुएशन में वो त्याग और समर्पण देता है या नहीं देता है। परिस्थिति बिल्कुल ऐसी बनी गाइस कि जहां पर न चाहते हुए भी आपको कॉम्प्रोमाइज करने वाली स्थितियों में लाकर रख दिया गया और आप रेडी भी हो गए कि कोई बात नहीं, मेरी एक की लाइफ का मुझे मतलब नहीं है, चीजें सुधार हो जानी चाहिए। वहां पर कहता ना कि उस भाव का रिवॉर्ड मालिक किस तरीके से, कितनी बड़ी ब्लेसिंग के रूप में, कितना बड़ा न्याय के रूप में आपको देते हैं। मालिक का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा गाइस। ये बस आपका टेस्ट था जिसमें कहता है ना कि बच्चा सफल हुआ, खुश हो जाओ, हंसो मुस्कुराओ, किसी तरीके का कोई त्याग नहीं लिया जाएगा आपसे, किसी तरीके का कोई समर्पण नहीं लिया जाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाया जाएगा आपसे। खुश रहो अपनी लाइफ में, आपको अपनी खुशी से दूर नहीं होना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। ये मैजिक है मिरेकल, उस पॉइंट पर आकर जहां पर आपको उम्मीद नहीं थी, जहां पर आपको संभावना नहीं लग रही थी, है ना, डर रहा था ना अंदर अंदर से दिल, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, मालिक साथ में है तो चिंता वाली बात नहीं है गाइस। मालिक का साथ होना जरूरी होता है ना। सच्ची श्रद्धा की भी कभी कभी टेस्ट होते हैं गाइस। मेच्योरिटी, ये देखो समझ सीख कितनी मिली आपको, ये जो परीक्षाएं आपकी लाइफ में चली है ना, जितनी भी कुदरत ने ली है आपकी परीक्षाएं, जितनी भी मालिक ने आपकी परीक्षाएं ली है, हर परीक्षा में सफल हुए हो। और ये अभी इन दिनों में बहुत बड़ी परीक्षा थी आपकी, जैसे ऑप्शन आपके सामने आए होंगे कि आपको किसका चयन करना है, अपने सुख की कामना रखनी है या फिर अपने कर्तव्य को निभाना है। आपके दिमाग में आया कर्तव्य को निभाना है, मेरी ड्यूटी पहले है, मेरी इच्छा बाद में, है ना, मेरा मेरे अपने ड्यूटी के प्रति मेरा कर्तव्य मुझे कभी गिल्ट में नहीं जाने देगा। आप डरते हो कि आपको कभी भविष्य में गिल्ट का सामना ना करना पड़े,
क्योंकि एक अगर भूले भटके ही आपके साथ कुछ गलती हो जाते हैं ना, तो एक गिल्ट का भाव उभर उभर कर सामने आता है। सामने वाला भूल जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा कि आपके द्वारा क्या गलती हुई है। फिर उसके लिए खुद को माफ़ी नहीं देता है। तो ये जो आप गिल्ट से बचने के लिए आपने अपने कर्तव्य को चुना, और आपकी ये नेकी भी है गाइस, जो मालिक यही देखना चाहते हैं कि कोई इंसान कितना कहता है और कर कितना सकता है ना। तो परिस्थितियाँ तो बनेगी कि एक बार बच्चे का टेस्ट तो करें, परीक्षा तो लें कि ये जो कह रहा है वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। और मालिक ने देखा बच्चा कर सकता है, वो मैच्योरिटी, वो समझ, और मालिक ऐसे बच्चे की जोड़ी कभी खाली रखेंगे नहीं। तो इस बात के लिए निश्चिंत रहना, है ना। पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, अब सुनना समझना, पहले जो जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जो जो समर्पण किए हैं, जिस जिस सिचुएशन में समर्पण किया है, जिन जिन इच्छाओं का दमन किया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक मालिक देखना किस तरीके से पूरी करते, वो भी प्रोटेक्शन के साथ, कि अब कोई छीन ना सके उनको, कोई नहीं छीन सकता। पूरे ब्रह्मांड की पावर, ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करेगी, आपको मदद करेगी। क्या खुश होकर जियो, अब आप अपनी मस्ती में जियो गाइस। देखो एक बात कह दो, चाहे मानो ना मानो, धीरे धीरे समय, किस्मत फेवर में आती जा रही है। तो निश्चिंत होकर लाइफ को आगे जियो गाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी प्रॉब्लम हो वो भी खत्म हो जानी है। कहा ना, जितने भी कॉम्प्रोमाइज किए, चाहे बचपन से लगाकर, है ना, कितने पुराने से पुराने गाइस, उनके भी रिवॉर्ड, फल जो इकट्ठा हो रखे थे ना, अब देखो जैकपॉट के रूप में आएंगे। अब ऐसे यश की प्राप्ति होगी कि आप कहोगे ये काम मैंने किया नहीं था, ये मुझे यश की प्राप्ति इस मुद्दे को लेकर क्यों हो रही है। आपने पहले कोई कर्म कर रखा है, बिना कर्म के परिणाम नहीं मिलता या फल नहीं मिलता, ये आप ही की मेहनत का कोई रिवॉर्ड होगा गाइस। जहाँ पर यश की प्राप्ति आपको बहुत ज़्यादा होगी, उपलब्धि कोई मिलती हुई नजर आ रही है, ये मैजिक, ये मिरेकल आपके लाइफ में हो रहा है गाइस। ब्रह्मांड का कहता है ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ हर एक सिचुएशन में। जहाँ कहता है ना कि मालिक ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर डरने वाली बात नहीं होती, वहाँ इंसान खुश रहता है। जहाँ खौफ खत्म हो जाते हैं, जहाँ आत्मविश्वास का बढ़ जाना होता है कि मालिक मेरे साथ है ना, मुझे चिंता नहीं, वो आभास हो जाना, वो फील हो जाना, अरे मेरे साथ कोई है, दुनिया से मैं क्या डरूँ, है ना, वो वाली बात, और ब्लेसिंग भी तो मिल रही है। तो इंसान अपने आप में कहता ना कि अंतर मन तक में किस तरीके से खुश होता है ना, वो भाव एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ गाइस। क्योंकि कोई कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती जो शब्दों में आ ही नहीं सकती। कोई इंसान कितने भी शब्दों को काम में ले ले, उस बात को वो व्यक्त नहीं कर सकता जो मालिक की प्लानिंग होती है, या जो मालिक आपके लिए ब्लेसिंग देने के बारे में सोच रहे होते हैं। नहीं की जा सकती गाइस, उसको सिर्फ महसूस की जा सकती है कि जिस तरीके से मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, वो समझने की कोशिश करना, ये बात छोटी नहीं है ना। ये लाइफ को चेंज करने वाली कोई बहुत बड़ी बात के बारे में कहा जा रहा है। देखते हैं क्या आता है लाइफ में, लेकिन आएगा डेफिनेटली कुछ खास स्पेशल, जो टर्न करेगा लाइफ को, मैं ये कह दूँ। हाँ, ग्रेटिट्यूड करते नहीं थकोगे, देख लेना। ओके, सारे बर्डन, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ ना कर्तव्य है, कोई कर्तव्य को निभाना है, ड्यूटी को निभाना। हो सकता है सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो सकती है, और वहाँ पर मैरिज का मामला भी आता है कभी कभी, है ना। तो आपने उसे इग्नोर करके अपनी ड्यूटी को निभाना उचित ज़्यादा समझा, अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। समर्पण, त्याग, मैंने कहा ना, इंसान देखे ना देखे मालिक देखता है। और जो भी ड्यूटी आपकी है उससे निभाने की मैच्योरिटी मालिक आपको देंगे, और उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट जो है मालिक की तरफ से मिलेगा गाइस। आपको आपकी खुशी भी मिले, और आप अपने कर्तव्य को भी निभाओ। बर्डन किसी तरीके का मत रखना, आपको जागरूक जो है समय के द्वारा किया जाएगा कि आपको किस तरीके से चलना है, आपको डायरेक्शन कौन सा मिलना चाहिए, या आपको किसी सिचुएशन में तरीके से बैलेंस रखना चाहिए, ये सब चीज़ें समय आपको सिखाएगा गाइस।
बस आप पैशनेट होकर अपनी लाइफ में चलते चलो। कहता ना कि दोनों चीजें, एक बैलेंस चाहिए था ना, कि धर्म भी निभाना कर्म भी निभाना, ठीक है, और अपनी खुशी की भी पूर्ति कर लेना, वो चीज में बैलेंस आ रहा है, उन चीजों में सेफ्टी और सिक्योरिटी आ रही है। और साथ में देखना अबंडेंस के रास्ते भी खुलेंगे, ताकि आपके मार्ग में जो भी अगर बाधक बनने वाली स्थितियां क्रिएट हो रही है ना, वो स्थितियां भी दूर हो जाए, मतलब क्या लाइफ आसान हो जाए, जहां पर आसानी से आपको खुशी मिले, ब्लेसिंग मिले, है ना जी। सारी चिंताएं बर्डन खत्म होने वाले हैं। ओके, पार्टिसिपेशन, बस कहता है ना, कभी कभी युद्ध में भाग लेने वाली स्थिति होती है, परीक्षा में भाग लेने वाली स्थिति होती है। परीक्षा बच्चा कब पास करेगा? अब पता है भाई कि मालिक साथ दे देंगे, लेकिन परीक्षा में बैठना भी तो जरूरी होता है। भाग्य साथ तभी देगा कि आपकी किस्मत बहुत प्रबल है, लेकिन एग्जाम देने नहीं जाओगे तो कहाँ से पास हो जाओगे? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, चाहे कितने भी आपकी किस्मत तेज हो। लेकिन किस्मत तेज होती है, वहां पर हमारी कभी कभी मेहनत सिर्फ इतनी सी होती है गाइस, लेकिन भाग्य साथ देता है। और कभी कभी हमें सिर्फ युद्ध में खड़ा होना पड़ता है, और हमारी तरफ से युद्ध की भागीदारी जो है वो मालिक लेते हैं, है ना। और फिर वो देखो, वो कितने अच्छे से युद्ध को जितवा देते हैं, हमें ही आधार बनाकर, और दुनिया की नजरों में आता है कि इस बंदे ने देखो कितनी अच्छी विजय प्राप्त की है, कितने संघर्ष झेल कर परिस्थितियों को अपने काबू में किया है। वो सब करते मालिक है गाइस, बस कहा ना कि यश की प्राप्ति का मिलना पहले कभी नहीं मिला होगा, खुद के द्वारा किए हुए कामों का भी कहते हैं ना फल की प्राप्ति नहीं हुई होगी, या यश नहीं मिला होगा कि ये काम आपने अच्छा किया, ये काम आपके द्वारा हुआ, है ना, यश की प्राप्ति नहीं होगी हुई होगी। लेकिन अब देखो मालिक आपको जरिया बना रहे हैं, करेंगे वो आपकी लाइफ में अच्छा, फतेह वो दिलवाएंगे आपको, संघर्ष आपके वो खत्म करेंगे, सफलता आपको वो दिलवाएंगे, बस आपको आगे लेकर आकर, और यश की प्राप्ति आपको होगी। ये देखो कमाल, बच्चा खुश रहना चाहिए, है ना, ये भोगना नहीं चाहिए पीड़ा को, ये खुश रहे अच्छा बच्चा, है ना। मालिक की नजर में सब अच्छे हैं गाइस, कितनी भी एज की क्यों ना हो, वाले मैडम इतनी एज हो गई है तो क्या हुआ, खुशी मिलना लिखा हुआ है तो मिलकर रहेगी गाइस। ये मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो कि मेरी लाइफ का कितना हिस्सा गया है, ये देखो मेरी आज से लाइफ सुधर जाए, मेरी लाइफ की जितना भी समय बचा हुआ है ना, वो मैं खुशी से जीऊँ, है ना। जो भी बदलता है, परिवर्तन होता है, उसे एक्सेप्ट करके आगे चलो, उसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता गाइस। तो अच्छी चीजें ही आ रही है, अब मेच्योरिटी भी आ रही है ना, तो परेशानी वाली बात नहीं है। मैजिक तो वैसे भी उसकी छड़ी कहता है ना लाइफ में घूमने ही वाले, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड साथ में है, तो ब्रह्मांड कोई ब्लेसिंग दिए बिना, कोई मैजिक किए बिना, अपनी स्ट्रेटेजी चलाए बिना तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो वो प्लान कर रहे होंगे ना, तभी उनका साथ हमारे साथ है। बिल्कुल, वो हमारी लाइफ में मैजिक और मिरेकल करने वाले हैं, बहुत बड़ा, क्योंकि 10 का साइन है यहाँ पर, जो कहता है कि एक बहुत अच्छे सर्कल की शुरुआत, एक परिस्थितियों का, बुरी परिस्थितियों या नेगेटिविटी की स्थितियां जो है ना, उससे एंडिंग होकर या उसका अंत होकर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन के साथ में एक नए सर्कल की शुरुआत होना, जहां पर आपको नेम मिले, फेम मिले, आप अपने कर्तव्य को निभाओ, धर्म को निभाओ, अपनी खुशियों को प्राप्त करो, और मैच्योरिटी भी पाओ, और यश की प्राप्ति करो, वो सपोर्ट मालिक का आपको मिलेगा। ओके, फाइटर, यहाँ पर कहा ना बस युद्ध की स्थितियां बनी हुई है कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वो कहता है ना कि युद्ध वाला जामा पहनाकर युद्ध में खड़ा किया गया है, और यहाँ पर मालिक कह रहे हैं कि युद्ध वो लड़ेंगे, है ना, बस आप हिम्मत रखो, उससे डरो मत, परिस्थितियों से मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाना है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाना है, बर्डन मत लो। ये देखो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, बस अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, ये जो भी सिचुएशन बनी हुई है ना, थोड़े समय के लिए बनी हुई है, ये कब चेंज हो जाएगी, कब टर्न हो जाएगी, कब इस परिस्थिति का आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, कब इस सिचुएशन में आपको जिता दिया जाएगा, कुछ नहीं कह सकते गाइस। बस यही कहा जाता है कि बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना, मन को शांत रखना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, और मालिक पर बिलीव रखना, उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है।
ठीक है। और अगर कोई काम के बारे में सोच रहे हो कि मैम काम में हमें सफलता कब मिलेगी, हमारा काम कब बनेगा, उसके लिए यही कहा जा रहा है, कंटिन्यू मेहनत को करते चले चलो, सही राह पर हो, और इसी राह पर आपको पूरा मालिक का सपोर्ट भी मिलेगा और आपका काम बनने की पूरी संभावनाएं हैं। चाहे ये काम या कोई डील है नहीं बन पा रही है, डीले में जा रही है, ये भी बनेगी। ये कहीं ना कहीं आपको मेच्योरिटी दे रही है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या परिस्थितियां आड़े आ रही है, क्या बर्डन आड़े आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का आकलन करके आप कोई डील भी कर लोगे, कोई काम बनाना चाहते हो, वो काम भी आपका बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हीलिंग हो रही है, दुख तकलीफ को ख़त्म किया जा रहा है, मन मस्तिष्क को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। कि बच्चा दिमाग को थोड़ा शांत रखो, इतना ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है, सुलझने की कोशिश करो, सुलझाने की कोशिश करो, अपनी स्थितियों को, अपनी लाइफ को सुलझाने की कोशिश करो। बिगड़ने वाले हालात नहीं है, सुधरने वाले हालात है, चाहे कैसे भी दिख रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। नंबर 9 नज़र आ रहे हैं, नंबर 6 भी हो सकते हैं, कि मैम प्रॉब्लम नज़र आ रही है, अरे ये नज़र नहीं आ रहा, नंबर 6 भी है ना। जो आपका नज़रिया कुछ और है, दिख परिस्थितियाँ कुछ और रही है, वाकई में है कुछ और, विकट परिस्थितियाँ हैं मैम। अरे उन्हीं परिस्थितियों में जीत भी तो है ना, मतलब क्या है, ये परिस्थिति आज है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है, इनमें जीता ना आपको मालिक का काम है, मालिक की प्लानिंग है। स्ट्रेस और लेजीनेस, लेजी मत हो गाइस, अगर लेजी हो रहे हो, आलस आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखो और इस परिस्थिति से बाहर आओ, इस सिचुएशन से बाहर आओ, अपनी बाउंड्री से बाहर आने की कोशिश करो। बदले के भाव नहीं रखना, मैंने कहा ना मैजिक आ रहा आपके लाइफ में, ये बाउंड्री तोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और वैसे भी देखो ताला तो खुल चुका है गाइस, ये जो मन का ताला था ना, जो आपको बांध कर रख रहा था ना, वो कहीं ना कहीं खुल चुका है। चाहे कितना भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्यों ना आया हो, लेकिन मैजिक तो गाइस एक हो चुका है, आपको तो आप में थोड़ा चेंज तो आ चुका है, ये बात तो पक्का है गाइस, कि आप कैसे अपनी ही बाउंड्री से बाहर तो आ ही चुके हो, ये आपको भी एहसास है। ये बहुत बड़ा कहते हैं ना मैजिक था गाइस, जो एक परिस्थिति से आप उठ नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, और उसी परिस्थिति से निकालने के लिए परिस्थितियां आपके लाइफ में ऐसे बने, भले तकलीफदायक थी, लेकिन कहते हैं ना कि वहां से आपका लगाव टूटा, अलगाव हुआ, और आप आगे बढ़ने की कोशिश में आपका दिमाग जो है ना उस ओर बढ़ने लगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे बाहर आओ, ये मन की स्थिति के बारे में कह रहा है कि बेवजह की चीजों का मन में नेगेटिविटी के भाव लेकर आ जाना, हर एक चीज को लेकर समझने की कोशिश करना गाइस, कि मैजिक क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, मिरेकल क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आपका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट करने वाली स्थिति में नहीं है, आपका दिमाग कह रहा है ये सब चीज़ें होगी नहीं, ये सिर्फ एक तसल्ली वाली बात है, और ये सिर्फ डीले में जाती है अगर कोई समय भी बता देता है। बिलीव करो गाइस, आपको 2 बर्ड्स इस वजह से ही दिखती है कि आपके मन को शांत कैसे किया जाए, आपको कैसे सुकून वाली स्थिति में लेकर आया जाए। भ्रम वाली स्थितियां जो पहले बनी हुई थी अपने दिमाग में लेकर मत चलो, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, मैजिक होगा, डेफिनेटली होगा। और कैसी भी सिचुएशन आपको लग रही है कि अब तो इस पार भी जाना मुश्किल है, उस पार भी जाना मुश्किल है, उन परिस्थितियों में आपको बचाया जाएगा, मालिक आपको बचाएंगे, उन परिस्थितियों में आपको फतेह दिलवाई जाएगी, उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकाला जाएगा। ये रीडिंग क्लियर वे में इसी बात को कहती है, और ये 101% ये सत्य होकर रहेगी, ठीक है ना जी। चीयर अप, यूनिवर्स का साथ है, कहा ना कि जो भी परिस्थिति आपको लग रही है ना, इस पार उस पार वाले के, या तो इस पार जा सकते हैं या उस पार आ सकते हैं, कोई रास्ता निकल जाएगा, ठीक है। चीयर अप करो कि खुशी मनाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात तय है कि जो भी प्रॉब्लम दिख रही है ना, उसमें आप घिरोगे नहीं। एक एक मोमेंट को जीने की कोशिश करो गाइस, आज ये पल है, प्रॉब्लम है, कल इस प्रॉब्लम का निजात हो जाना है, सब कुछ ठीक हो जाना है ना। स्ट्रेस लेकर मत बैठो, आप खुद को भी हील करने की कोशिश करो, है ना जी। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बकायदा कहती है गाइस, कहीं ना कहीं अंतर्मन कह रहा है, इनर वॉइस कह रही है आपकी,
बेटा मिरेकल होने वाला है ना, चिंता में मत रहो, हिडन बहुत कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि जो परिस्थितियाँ बिगड़ती हुई नजर आ रही है ये बिगड़ जाएगी ना, मिरेकल कभी भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी हो सकता है, अच्छा कभी भी हो सकता है ना, मालिक की कृपा कभी भी बरस सकती है। तो आपकी इंट्यूशन बकायदा आपको तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, मे भी हो सकता है कि इन दिनों में आपको मून बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, या फिर आप मून को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या सपने में मून का नज़र आना, एक से ज़्यादा मून के नज़र आना, ठीक है, या फिर 4-5 कलर रेनबो जैसे आपको दिखने, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मिरेकल या आपकी लाइफ में एक जादू की छड़ी एंजल्स के द्वारा जो घूमेगी ना, यूनिवर्स के द्वारा जो घूमेगी ना, उसके बारे में बात कर रहा है। आपका दिल कह रहा है गाइस, ये देखो कि कोई प्रॉब्लम मतलब ख़त्म होने तो लग गई है, वो अपनी उल्टी गिनती में है, लेकिन आप उस बात को मानो समझो। और कहीं ना कहीं आपका दिल क्या कह रहा पता है, कि एक बार थोड़ी सी चीज मेरे सामने खुलकर आ जाए ना, कि हाँ परेशानी खत्म हो रही, तो मैं मानूं वरना ना मानूं, मतलब आपका दिमाग ये कह रहा है, लेकिन दिल की बात सुनो, बर्डन खत्म हो रहे हैं क्योंकि परेशानियां खत्म हो रही है। ये रीडिंग सत्य होकर रहेगी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, मालिक पर मुझे बिलीव है कि जिस प्रॉब्लम का लग रहा है ना उफान मारकर आपकी लाइफ में आ जाएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी मेरे शेर, परेशानी खत्म होने वाली है। अगर ये उठी भी है ना, तो ये जड़ से समूल रूप से नष्ट होगी, देख लेना। आगे चलकर आपको यही मेमोरीज याद आने वाली है गाइस, कि आपने किस सिचुएशन में कितना साहस रखा और मालिक ने आपका कितना साथ दिया है। साहस आएगा आपका, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। ये देखो आर्कएंजल गैब्रियल, देखो आपकी लाइफ में कौन सी मैजिक या मिरेकल की छड़ी घूमने वाली है कि आपकी इच्छाएं पूरी होगी गाइस। आपके भाग्य में कोई खुशी है जो एक डिवाइन टाइम का वेट कर रही थी, वो खुशी आपको मिल जाए, वो ब्लेसिंग आपको मिल जाए, और उस खुशी के मार्ग में कोई भी बाधक ना बने, कोई भी बदली के भाव आपके लिए ना रखे, आपके लिए रास्ते ओपन कर दे कि आप अपनी लाइफ को जियो। उनकी खुद की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वो मार्ग में बाधक बनने का ही काम ना करें, आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ, अपनी एनर्जी को पहचान पाओ कि आप में क्या क्रिएटिविटी है, मतलब जैसे भी करके आपकी क्या खूबी है, आप में क्या ब्लेसिंग है, या आपके भाग्य से जुड़ी हुई कौन सी खुशी है, वो आपका भाग्य, आपकी किस्मत, मालिक आपकी लाइफ में ला कर दे आपको। अगर बेबी का सुख नहीं मिला है आपको, मानकर चलना का डेफिनेटली ये मिरेकल आपकी लाइफ में हो रहा है, कि अगर आपको इस बात को लेकर अगर कोई हेल्थ का इशू है, वो भी ठीक हो जाना है, और ये सुख आपके नसीब में है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको यही कहता है, दिल मत दुखाओ आपका, आप अपना, ठीक है ना, होप रख सकते हो, मालिक यही कहता है कि उम्मीद मत खोना, ठीक है। ये साहस की कहता है ना कि सवारी आप कर रहे हो, सक्सेस की सवारी आप कर रहे हो, यहाँ पर कहा जा रहा है मिस्टीरियस तरीके से, रहस्यमय तरीके से आपके लाइफ में मिरेकल बन रहा है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि मिरेकल बन रहा है, एंजल्स कई ब्लेसिंग आपके साथ है, हैप्पीनेस के लिए रास्ते आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, आपको लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर काफ़ी सारे हालात सुधरेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी लेडीज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, और काफ़ी सारी फिश की एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब सेलिब्रेशन के साथ खुशी, एक स्थायित्व लेकर जहां पर आपका मन डरे ना, है ना, कि मैं ज्यादा हंस लूंगी मुस्कुरा लूंगी तो तकलीफ का सामना ना करना पड़ जाए, या कुछ चीजें छूट ना जाए, लॉस वाली एक वो डर जो है ना, वो आपका डर दूर हो जाएगा, और एक ठहराव से कोई खुशी आपकी लाइफ में आएगी जो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे, ठीक है। सक्सेस भी मिलने की संभावना है गाइस, मतलब मैं एक बात कह दूं कि अबंडेंस को लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई डर चिंता वाली बात नहीं है, आपके जो भी काम है बड़ी आसानी से बनेंगे, आपके संघर्ष आपको कम होते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये मैजिक, ये मिरेकल आपकी लाइफ में बन रहा है, जो एक पॉजिटिव चेंज, एक मेजर चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है ना। आप में खुद में एक आकर्षण क्षमता जो है ना बहुत आएगी गाइस, ये देखो लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, कब आती है, अपनी लाइफ के फैसले सबसे पहले तो खुद लेना स्टार्ट करोगे, कि दूसरों से सलाह मशवरा करने वाली अगर कभी आदत रही है ना, या बीच में कभी हो गई है, वो आदत छोड़ दोगे कि मेरी लाइफ के फैसले मैं खुद लूँ, है ना, क्योंकि उस काबिल भी आपको बनाया जाएगा, जहाँ आप, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाए, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाए, कि आपसे लोग सलाह मांगने आए,
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किस परिस्थिति में। मे बी हो सकता है जैसा मैंने कहा ना कि काम आपका कोई स्टार्ट भी करोगे ना गाइस, चाहे बिजनेस है या कोई और काम करना चाहते हो, और अगर आपके मन में है कि मुझे एक टीम की ज़रूरत है, अच्छी टीम मुझे मिल जाए, अच्छे लोग मुझे मिल जाए जहाँ मैं अपने काम को सार्थकता दे पाऊँ, तो वहाँ देखो आप लीडरशिप क्वालिटी आप में इतनी अच्छी है कि इतने अच्छे से टीम को साथ लेकर चलोगे और आप काम में बड़ी सफलता मिलेगी आपको। या अगर कोई बिजनेस को लेकर भी सोचा है ना कि अपने दोस्तों के मित्रों के साथ मिलकर भी कोई काम करो, बहुत अच्छे से कर पाओगे गाइस, खुद का भला और लोगों का भी भला, ऐसा कुछ काम करने के बारे में आप सोच रहे हो जिसमें सफलता भरपूर है। और न केवल सफलता है गाइस, इसमें एक बात कह लो कि कोई बहुत बड़ी विश की विश का पूरा होना और बहुत ज्यादा आपको रेस्पेक्ट का मिलना, ये चीज है गाइस, दो चीजें एक साथ चल रही है। आपकी रेस्पेक्ट आपको दिलवाने के लिए मालिक कोई कृपा बरसा रहे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में मत रहना, दुख भरे दिन बीते अब सुख आयो रे, ठीक है। इस बात को, इस गाने को गाते रहो, और ये वो वाला गाना जो मैंने कितनी बार कहा है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है ना, ये गाना यस बॉस फिल्म का है, तो ये गाना सुना करो, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, बिल्कुल अपने भविष्य के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना ऊंचा सोच सकते हो, जितने बड़े मिरेकल की कामना कर सकते हो ना, वैसी कामना करो। मतलब क्या है, यहाँ पर मैनिफेस्ट भी कर सकते हो गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसे खत्म करना चाहते हो ना, तो मैनिफेस्ट करो बड़े सकारात्मक रहकर कि मालिक मेरी लाइफ में ऐसा मिरेकल लेकर आएंगे कि ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो गई, ये मुझे सुनने को मिले, ठीक है। या आप अपनी कोई खुशी के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए मैनिफेस्ट करो। लगता है मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, नेगेटिव थिंक बार बार जा रहे दिमाग में, अफर्मेशन करो, वो तो अपने कंट्रोल में है ना कि अपने लिए शब्द अच्छे काम में लेना। कांच की गिलास लेना, कोई सी भी गिलास ले लेना, उसमें पानी भरकर उसमें अफर्म करके कि आपकी क्या विश है, कि मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, ऐसे जैसे वो इच्छा पूरी हो गई है, ठीक है। और फिर उस पानी को पी लेना है, बस इतना सा करना है, दिन में एक बार करो, थोड़े दिन कर लो, है ना, कंटिन्यू में करोगे ये आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अफर्मेशन करना चाहते हो, अफर्म करना चाहते हो ना, वो आपको मिल जाएगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी मालिक तक पहुंचेगी, और आपकी ऊर्जा जो है वो एक आकर्षण क्षमता आप में ऐसी उत्पन्न करेगी, आपकी ब्लेसिंग को आपके लिए लाने के लिए, आपकी लाइफ में ला देकर आने के लिए वो रास्ते ओपन करेगी। जैसे ये भी कहा ना मैंने कि आपके दुश्मन भी होंगे ना एक बार रास्ता छोड़ देंगे, जब इनके मार्ग में अवरुद्ध होने का काम ना करें, वो डिवाइन टाइम इसी को कहते हैं गाइस, भाग्य का साथ देना इसी को कहते हैं, कि कोई भी विघ्न ना करे, विघ्न जो भी है ना वो दूर हो जाए, है ना। तो विघ्नहर्ता आपके विघ्न सारे दूर कर रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपके लाइफ में खुशी लेकर आना खुशी लेकर आ रहे हैं, आपके नसीब की, आपकी किस्मत की। आपका हक अगर किसी ने छीन लिया है, वो भी सम्मान पूरे रेस्पेक्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा, और क्या चाहिए। खुश रहने के लिए बस खुद को रेडी रखना है कि अब जो खुशी भी आएगी ना मेरी लाइफ में, वो स्थायित्व लेकर आएगी, मुझे डरना नहीं है, है ना जी। मैं आपके लिए कुछ चांस देखूं, कि चांस में ना खूब सारे मैसेजेस आते हैं गाइस। सबसे पहले तो नेगेटिविटी रिलीज होगी आपकी, चाहे ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना तो उस ओवर थिंकिंग में कमी आएगी, ठीक है। आउल का ये देखो, ग्रोथ बहुत मिलेगी गाइस आपको, प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलेगी, अबंडेंस बहुत मिलेगी, पैसों के सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे, और जो भी लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में होगा ना, वो ठहराव और शांति और सुकून लेकर आएगी, ऐश्वर्य लेकर आएगी, ठीक है ना। तो एक अच्छी लक्ष्मी का आगमन भी आपकी लाइफ में होते हुए नजर आए, इसी वजह से आपकी लाइफ से नकारात्मकता कट रही है, क्योंकि जहां पर नकारात्मकता छंट जाती है, खत्म हो जाते हैं ना, वहां पर स्थायित्व लिए हुए लक्ष्मी का आगमन होता है, ये उसी के बारे में बात करता है। कार्ड है चीयर अप का, यानी खुशी मनाओ, ठीक है। द सन का चाम आया है जो यही कहता है कि सूर्य का बलवान होना, जो यहाँ पर रीडिंग कैरी है कि आपकी लाइफ में मैजिक की छड़ी घूमेगी, ठीक है, आपको यश की प्राप्ति होगी, और ये चाम जो है ना इसी बात के बारे में कहता है कि आपको यश की प्राप्ति बहुत होना, जीजस का साथ, मालिक का साथ आपको मिलना, भाग्य का साथ आपको मिलना, ठीक है। ये देखो, ये भी कहीं ना कहीं कहता है ना कि एक आप में ब्लेसिंग क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, उस क्रिएटिविटी को उभार में, शीप में से जो मोती निकल कर आता है ना,
बिल्कुल उसी के बारे में कहा जाता है कि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकाल कर बाहर लेकर आई जाएगी, और शायद उसको जरिया बनाकर आपको लाइफ में ब्रेक थ्रू मिले, या आपको लाइफ में सफलता मिले, या उस काम को आधार बनाकर कि आपको पता है कि ये तो मेरे बस का है, इसे मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और फिर मैं और लोगों को सिखा कर भी और उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करके कोई काम में गति लेकर आ सकता हूँ, प्रोग्रेस कर सकता हूँ, सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ ऐसा कुछ। और यहाँ पर आपका भाग्य का साथ आपको बहुत मिलेगा गाइस, ठीक है? आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको आपका दिल खुश होना, समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी गाइस, आपके ट्रैवल की संभावनाएं बहुत बनेगी, और जैसा प्यार आप चाहते हो ना गाइस लाइफ में, लॉयल इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो, जो आपकी कदर करे, आपकी रेस्पेक्ट करे, हर एक सिचुएशन में आपका साथ दे, कोई ऐसे इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है? सारी नेगेटिविटी का खत्म होना गाइस, और कहते हैं ना मुस्कुराहट से, मुस्कुराहट भी आए तो दिल से मुस्कुराहट आए, कुछ ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में बनेगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी। ये भी ग्रोथ के बारे में कहता है, और ये मोर पंख है गाइस, ये मोर है जो कहता है कि एक पूर्ण रूप से ब्लेसिंग जो आपको पूर्ण करे ना, ऐसी कोई ब्लेसिंग, ऐसा कोई मैजिक आपकी लाइफ में होगा। जैसे मोर क्या कहता है पता है, बारिश आने वाली होती है ना, उसके पहले आगाह करने की कोशिश करता है, तो ये मोर की एनर्जी आगाह कर रही है कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक होने वाला है भाई, जो आप पर मालिक के प्यार की बारिश कर दे, कुछ ऐसा मिरेकल आपके लाइफ में होगा जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा, ठीक है ना? बहुत बड़ी सफलता के रास्ते खोल रहे हैं गाइस, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत बड़ा मैजिक आपके लाइफ में होगा। अनएक्सपेक्टेड है गाइस, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, सफलता मिलेगी, कोई बहुत बड़ी मिलेगी, ये मैंने 2-3 बार कहा है, क्योंकि इसको दिमाग में रखना, कहा ना लॉयल इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होगी, और ऐसा कहता ना रिश्ता किसी के साथ जुड़ेगा जो लाइफ टाइम के लिए होगा गाइस, लाइफ टाइम साथ दे जाए हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में, और लॉयल रहे, वफादार रहे, है ना, अनकंडीशनल लव। ये देखो प्रॉब्लम की चाबी, कोई परेशानी का अंत होने वाला है, प्रॉब्लम का अंत होने वाला है, ये एक और चाबी, फिर से यही कहा जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम का अंत होने वाला है। देखो चाबी कितनी बड़ी बड़ी आई है, प्रॉब्लम बड़ी नहीं है जी, है ना, समाधान बहुत बड़ा है, बिलीव रखना, प्रॉब्लम एक होगी, चाबियां दो है, एक से नहीं तो दूसरे समाधान से चाबी ताला खुलेगा, पर खुलेगा। ये देखो एंजल्स का सपोर्ट की खुशी आ रही है, बेबी के बारे में सोच रहा हूँ ना, बेबी की खुशी मिलेगी आपको, ये चाम यही कहता है। कछुए की रफ्तार से कोई चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग धीरे धीरे आ रही है, मैजिक जैसे यहाँ पर है ना, छुप छुपा कर हल्का सा दिख रहा, और यहाँ पर एकदम सडनली इतना बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये खुशी आएगी ना कि धीरे धीरे करके ये मैजिक जो है ना, धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आपको आभास हो रहा है, जैसा इंट्यूशन भी बता रही है आपकी, लेकिन अचानक से एकदम कैसे जैकपॉट के रूप में धड़ाम करके कहता है ना कि सामने आ जाना, एकदम अचानक से सरप्राइज की तरह सामने आ जाना, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा, लेकिन ये हमेशा के लिए होगा गाइस, इसका प्रभाव जो होगा ना आपकी लाइफ पर वो हमेशा के लिए होगा, इस मैजिक का, मिरेकल का। एंजल्स का प्यार और सपोर्ट आपके साथ है, फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे कि ग्रोथ आपको डेफिनेटली मिलेगी गाइस, ये आपके साहस का रिवॉर्ड है, जो बुरी परिस्थितियों में आपने साहस रखा ना, उसका रिवॉर्ड है। तो बहुत अच्छे चांस आए हैं, बहुत अच्छी रीडिंग आई, इसको क्लेम करना, ये आपकी लाइफ में बिल्कुल सार्थक होगी, सिद्ध होगी, और ये मिरेकल और ये मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में 101% घूमेगी, काम करेगी, और जो भी आपके हक की, नसीब की खुशी है वो आपको मिलकर रहेगी। ट्रस्ट रखना, बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहना, ठीक है ना जी? तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में ये आपके मैजिक और ब्लेसिंग की छड़ी जल्द से जल्द घूमे, हमें हमारी नसीब की खुशी मिले, हमें प्रॉस्पेरिटी मिले, अबंडेंस मिले, हमारी लाइफ में मिरेकल हो जाए, हमें बहुत बड़ी सफलता मिले, ब्रेक थ्रू मिले, अनकंडीशनल लव मिले, आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।